नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज्यादा इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। बिहार में मंगलवार का दिन बेहद अहम है। जानकारों के मुताबिक ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अपना सियासी रिश्ता खत्म करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज जेडीयू के विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद दोपहर तक बीजेपी के साथ रिश्ते तोड़ने का ऐलान जेडीयू की ओर से किया जा सकता है। बता दें, सोमवार को ये खबर आई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात की और बिहार बीजेपी के भी कई नेता मुख्यमंत्री से मिले थे। ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। बिहार में सियासी हलचल के बीच आज तमाम सियासी दलों के विधायकों को पटना तलब किया गया है। सत्ता पक्ष जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम के अलावा विपक्षी दल राजद, कांग्रेस या फिर वामपंथी दलों ने भी अपने विधायकों को पटना तलब किया है। जेडीयू की ओर से विधायकों को पटना बुलाए जाने पर ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह के मामले के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। इसके अलावा आरजेडी के विधायकों को पटना बुलाए जाने के सवाल पर विधायक सुधाकर सिंह ने बीबीसी से कहा कि पार्टी के विधायक दल की एक आपात बैठक बुलाई गई है, मुद्दे अभी साफ नहीं हैं लेकिन बैठक बुलाई गई है। हालांकि कई और नेताओं ने राजद और जदयू के साथ आने की संभावनाओं से इनकार किया और कहा कि बैठक पहले से तय थी। बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच किसी भी ऊल जलूल बयान से बचने के लिए राजद ने अपने मीडिया प्रवक्ताओं के पैनल को भंग कर दिया है। साथ ही कहा है कि सिर्फ तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के बयान को अधिकृत माना जाएगा, बाकी सारे प्रवक्ताओं का बयान उनका निजी बयान होगा। बता दें, इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद और जदयू साथ आ सकते हैं। ऐसे में किसी भी कन्फ्यूजन से दूर रहने और स्थिति को साफ साफ और धैर्य से देखने के लिए राजद ने कदम उठाया है। आखिरकार मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। खबरों के मुताबिक शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी की ओर से 18 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें से बीजेपी के 10 और शिंदे गुट के 8 मंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार ने 30 जून को शपथ ली थी और माना जा रहा था कि अगले कुछ दिनों के अंदर कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन कई बार यह विस्तार टल गया था। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री जबकि देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाओं का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, मुफ्त चिकित्सा जैसी योजनाओं को उनकी विशाल सामाजिक उपयोगिता और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों पर उनके प्रभाव के बावजूद फ्रीबीज कहना न केवल गलत है बल्कि हमारी संवैधानिक परियोजनाओं का भी अपमान है। पार्टी ने कहा ये योजनाएँ असमान समाज में बेहद ज़रूरी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि फ्रीबीज पर वास्तविक चर्चा राजनीतिक वर्गों, नौकरशाहों और बड़े औद्योगिक घरानों को दिए जाने वाले फायदे से शुरू होनी चाहिए, न कि कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संवैधानिक अधिकार को देने के लिए लाई गई कल्याणकारी योजनाओं से। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को राष्ट्रीय और राज्य की राजधानियों में मुफ्त आवास और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। अगर कोर्ट इस मुद्दे में जाना चाहता है तो राजनीतिक वर्गों और बड़े व्यवसायों को दी गई राज्य की उदारता द्वारा दिए गए खर्च का आकलन होना चाहिए। बता दें, फ्रीबीज के विरोध में बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से याचिका दायर की गई है। आम आदमी पार्टी ने इसी का विरोध किया है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता एक विशेष राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनहित याचिका के उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। बता दें, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने गैर जरूरी मुफ्त योजनाओं से अर्थव्यवस्था को हो रही नुकसान पर चिंता जताई थी। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी से किसी तरह का संबंध होने से बीजेपी ने इनकार किया है, लेकिन साल 2018 में बीजेपी की ओर से जारी किए गए एक लेटर हेड से पता चलता है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का पदाधिकारी था। लेटर हेड से पता चलता है कि श्रीकांत त्यागी को 27 अगस्त 2018 को बीजेपी किसान मोर्चा की युवा किसान समिति का राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया था। ये मनोनयन किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी सुधीर त्यागी ने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के निर्देशानुसार किया था। इस बारे में बीजेपी के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये लेटर हेड पूरी तरह ओरिजिनल है और श्रीकांत त्यागी अगस्त 2018 से अप्रैल 2021 तक युवा किसान समिति का पदाधिकारी था। त्यागी के रसूख के बारे में इससे पता चलता है कि उसे 1.5 साल तक पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। गाजियाबाद के एसपी मुनिराज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जिला कमेटी की रिपोर्ट के बाद श्रीकांत त्यागी को अक्टूबर 2018 से फरवरी 2020 के बीच सुरक्षा दी गई थी।
फरवरी 2020 में उसकी सुरक्षा हटा ली गई थी। याद दिलाना होगा कि इस दौरान राज्य में बीजेपी की सरकार थी। बता दें, श्रीकांत त्यागी के द्वारा नोएडा के सेक्टर 93B में स्थित ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय खिलाड़ियों का देश लौटने का सिलसिला जारी है। भारत ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 61 पदक जीते हैं, जिनमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक हैं। ताइवान के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि चीन हमले की तैयारी के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के लिए द्वीप को घेरने वाले हवाई और समुद्री डील कर रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन ने ताइवान पर आक्रमण की तैयारी के लिए ड्रिल और मिलिट्री प्लेबुक का इस्तेमाल किया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ताइवान में लोगों के मनोबल को कमजोर करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, मिसाइल लॉन्च, साइबर हमले और एक दुष्प्रचार अभियान कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी.com के साथ।